नमस्ते, माटी के मोल कार्यक्रम में आप सभी दर्शक लोग के हमने स्वागत करत हैं। जा माटी में यदि गो बिया फेंकबा, चाहे प्योस रही, ग्रात रही या नहीं रही, लेकिन देखबा तो वो बिया जमता कौन चीज से? धूप से, बरसात से, और हमने के जो तापमान है ओकर से। तो तापमान के कौन असर पड़ेला हमने के खेत पर, हमने के खेतिहर लोग आज एक बारे में जानकारी तो लोग के मिली। तो चला जा, हमने आप लोग के ले चली जा बाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र में। दर्शकगण, आज हमने आप लोग के ले चलब जा बाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र में। काहे हुआ माटी के मोल कार्यक्रम में हमने के चाहिना तापमान देखे के रोपाई से पहले, रोपाई के बाद, रोपाई के अंतर्गत मौसम कैसन रही, बाढ़ आए, पानी आए, धूप आए या कुछ हुई, तो ये सब जानकारी हम लोग के मिली मेतेओ जो बाकवा में ऋतु विज्ञान केंद्र है। यहाँ पर बहुत ऐसा केंद्र उपकरण है जेकर से पता चलेला कि मौसम के हाल कैसन रही। भाप से जो पानी पैदा होला, बरसात होला, ओकर में कौन सी बा ये हमने के जो खेती बाड़ी है ओकर पर कौन असर करेला, ये भाव पर हमने के ज़्यादा जानकारी दियन यशना देवी परबुच्चिया जी, वो मेट्रोलॉजिकल टेक्नीशियन हुआ। यशना देवी जी नमस्ते। नमस्ते आपको भी और सभी दर्शकों को भी। तो आप किस विभाग में हैं? मैं फ़िलहाल के लिए मेन मेट्रोलॉजिकल ऑफिस में काम कर रही हूँ, और हम वहाँ पे फोकस के साथ काम करते हैं और सारे डेटा जो है वो हम कलेक्ट करते हैं और वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो इनमें से एक डेटा है जो कि है इवेपोरेशन के बारे में, भाप के बारे में। भाप के बारे में कैसे बनता है आपके? तो शुरुआत में हमारे यहाँ एक इवेपोरेटिंग पैन है जिसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना पानी भाप में बदला है। हालांकि दिन में बारिश हो सकती है, कुछ पानी भाप में भी बदल सकता है, तब जाके पता चलता है कि कितना पानी बारिश से मिला है और कितना पानी धूप या फिर हवा के कारण भाप में बदला है। तो एवापोरेशन का जो प्रक्रिया है ये पानी का गैस अवस्था में परिवर्तित होना है, यानी कि पानी जब गैस में बदल जाता है तो वो हवा में उड़ जाता है। और इसका अनुमान हम क्यों लगाते हैं? इससे हमारे किसानों को पता चलता है कि उन्हें उनके पौधों को कितना पानी देना चाहिए, कितना पानी ट्रांसपीरेशन से उनके पौधों ने खोया है और कितना पानी धूप से इवापोरेट हुआ है और फिर जाके कितना बारिश हुआ है। इन सारी चीज़ों को के बारे में कैलकुलेट करने के बाद ही उन लोगों को पता चलता है कि कितना पानी उन्हें उनके पौधों को देना पड़ेगा। तो इसके अलावा जो इवापोरेशन का प्रक्रिया है ये बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारे पृथ्वी के जल चक्र में भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये इस प्रकार से चलता है कि जब ये पानी भाप बन जाता है और ऊपर पहुंच जाता है तो ये थोड़ा ठंड पड़ जाता है, और ठंड के कारण ये छोटे छोटे पानी के बूंदों में परिवर्तित हो जाते हैं, और ये कई सारे छोटे पानी के बूंदे बादल में बदल जाते हैं। इसका ये अर्थ नहीं कि वर्षा होने वाली है। एक्चुअली लोगों को समझना चाहिए कि जब हम बादल देखते हैं तो हर समय पर बारिश नहीं होती है, वर्षा नहीं होती है, क्योंकि ये जो छोटी बूंदे हैं ये इतना भारी नहीं है कि उस के ज़मीन पे गिर सके। तो क्या होता है, एक प्रोसेस, एक मेकानिज़म है बादल के अंदर जो चलता है। तो ये सारे छोटी बादल के बूंदे जब बड़ी हो जाती हैं तब उस वो बादल उन्हें देर समय तक ऊपर नहीं रोक पाता, तभी जाके ये वर्षा के रूप में हमारे ज़मीन पे गिरती हैं। इस प्रकार से ये चक्र चलता रहता है, फिर से पानी वर्षा के रूप में बहती है और फिर से भाप बनती है और फिर से बादल में परिवर्तित होती है। तो इसे ही हम अपना जल चक्र कहते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे पृथ्वी के लिए। अच्छा, हमारे जो खेतिहर भाई बहनें हैं इससे लाभ उठा सकते हैं? ज़रूरी नहीं है कि वे रोज़ सिंचाई करें। हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वे रोज़ सिंचाई करें, क्योंकि जिस दिन को ज़्यादा बारिश हुई है, और डिपेंड करता है कि किन जगहों पे वो प्लांटेशन कर रहे हैं और कि कैसे पौधों डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट पौधे उत्पन्न होते हैं और डिफरेंट क्लाइमेट के बेसिस पर भी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो लोग हर रोज़ पानी दे या सिंचाई करें,
वो एक्चुअली इन सारे डेटा को देख कर समझ जाते हैं कि उन्हें कब जाके थोड़ी पानी देना चाहिए या फिर फर्टिलाइजर्स स्प्रे करना चाहिए। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि एक दिन है और अब हवा बहुत तेज़ी से चल रही है, तो इन दिनों वो लोग जानते हैं कि उन्हें फर्टिलाइजर्स का स्प्रे नहीं करना चाहिए क्योंकि ये खो जाता है, हवा में उड़ जाता है। तो ऐसा वो लोग अनुमान लगा लेते हैं ये सारी डेटा देख के कि उन्हें कैसे प्रोसीड करना चाहिए कल्टीवेशन के लिए। अभी जब क्लाइमेट चेंज है, ओजोन के पर्दे में छेद आ गया है, तो उससे इसका असर और भी बढ़ गया है। तो ओजोन के पर्दे में छेद हो जाने के पश्चात ये हमने देखा है कि गर्मी ज़्यादा बढ़ गई है, एवरेज जो अर्थ टेम्परेचर है ये ज़्यादा बढ़ गया है, और इसके कारण ना सिर्फ ओजोन के छेद के कारण है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के भी कारण हो रही है। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण यानी कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस या फिर वाटर वेपर का जो मात्रा है, ये रेडियो एक्टिव गैसेस हैं। तो ये सारे जो गैस हैं इनमें वो टेंडेंसी है कि ये हीट को अब्सॉर्ब करें, और जितना मात्रा में ये हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं यानी कि जितना ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी कि हम लोग हमारे गतिविधियों के चलते जितना भी इन ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ के द्वारा, उतना ही वो सारे गैसेस जो हैं वो हीट को अब्सॉर्ब कर रहे हैं और हमारे टेम्परेचर को और वार्म यानी कि और गर्म कर रहे हैं। इसके चलते ही हमारे पृथ्वी का जो तापमान है ये बढ़ गया है, और इससे क्या होता है, हमने देखा है कि सी लेवल राइज, और फिर हमारे जो ग्लेशियर्स हैं पोलर के रीजन्स में ये भी मेल्ट हो रहे हैं ज़्यादा वार्मिंग के कारण। आपने देखा है कि कैसे फॉरेस्ट फायर्स, बुश फायर्स ये सब हो रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लोगों के इन गतिविधियों के चलते ही, मॉडर्नाइजेशन या फिर ये सारी चीज़ें इस ओर कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये इन सारे डिसएडवांटेजेस की ओर बढ़ रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम ये सब रोकें, तो ऑफ कोर्स ये है कि हम इन ग्रीन हाउस गैसेस को अगर इनकी क्वांटिटी को हम अगर कम करना चाहते हैं, तो पहला तो हमें पौधे प्लांट करना होगा, और इन सारे जलवायु परिवर्तन के चलते हम देख सकते हैं कि कभी कभार एसिड रेन भी हो जाते हैं, ये इन पॉइजनस गैसेस का इफेक्ट है जो कि रिलीज हो रहा है हम लोगों के एक्टिविटीज़ के वजह से। एसिड रेन से क्या होता है? एसिड रेन से किसानों को बहुत नुकसान पहुंच सकती है, उनके प्लांट्स को बहुत डैमेज हो सकता है। डिपेंड करता है कि कौन से प्लांट वो लोग ऑफकोर्स उत्पन्न कर रहे हैं, और ये उनके लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है, उनका पूरा का पूरा जैसे कि खेत बर्बाद हो सकता है। और ऑफकोर्स डिफरेंट टेम्परेचर में डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जन्म लेते हैं, तो ये हो सकता है कि किसी टेम्परेचर पे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, तो उन लोगों को पता चलना चाहिए कि तब क्या करना चाहिए, वरना वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी इन और पेस्ट वगैरह इन एक खेत को बर्बाद कर सकता है। ग्रीन हाउस गैसेस सिर्फ निगेटिव नहीं है, क्योंकि यही गैसेस हैं जो हमारे इस पृथ्वी को एक अच्छा तापमान देते हैं यानी कि वार्म टेम्परेचर जहाँ पे हम रह सकते। इनके बगैर हमारा पृथ्वी 20 से 30 डिग्री सेल्सियस ठंडा होता और यहाँ पे लोगों का रहना नामुमकिन होता। लेकिन कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा मात्रा में हो तो ये अच्छा नहीं है। जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट तब क्रिएट किया गया था जबकि हम प्लांट्स का कल्टीवेशन कर रहे थे और उन्हें ज़्यादा उन्हें ठंड से बचाने के लिए हमने ग्रीन हाउस बनाया था, लेकिन वो ग्रीन हाउस धूप को कैप्चर करके उन प्लांट्स को अच्छे से वार्म टेम्परेचर में रखता है। लेकिन अगर वही धूप ज़्यादा मात्रा में हो तो वो प्लांट्स सारे जल जाएंगे। तो इसी प्रकार अगर ग्रीन हाउस गैसेस भी ज़्यादा मात्रा में हो, हालांकि ये हमें एक बेहतर टेम्परेचर देता है जीने के लिए, डे टू डे लाइफ के लिए हमारे इस पूरे पृथ्वी के एक अच्छा टेम्परेचर देता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ये बहुत हानिकारक हो सकती है, और फिर इसके साइड इफ़ेक्ट्स हमने देखा है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के दौरान।
आजकल देखा था जा कि जो मर्क्यूरी मैक्यू है तौपिया देखे खातिर ओकरा अब बंद करल जाता, अब डिजिटलाइजेशन आवता और ये जो नया उपकरण है एक बारे में हमने के ज़्यादा जानकारी दियन अनंतलाल बंधु जी। चले जा मिली जा अनंतलाल बंधु जी से, आप सीनियर मेटेरोलॉजिकल टेक्नीशियन हवा। अनंतलाल जी नमस्ते। तू यहाँ ऋतु विज्ञान केंद्र में कौन काम करेला? हम एगो सीनियर मेटेरोलॉजिकल टेक्नीशियन है। अभी तक हम अप्लाइड सेक्शन जो मारिन सेक्शन मेटेरोलॉजी के है हम वहाँ काम करेला। जैसे हम रोटेशन करेला सर एग्रो मेटेरोलॉजिकल सेक्शन है, फोकस सेक्शन है, तैसे चाहे एक साल दो साल में तब हम एक रोटेशन होला। तो जब फोकस ऑफिस में काम कर तो वहाँ ऑब्जर्वेशन कर जा सर है ऑब्जर्वेशन। तो ऐसे ऑब्जर्वेशन कैसे कर जा सर दोनों कोलेक्टिव होला, जैसे ही जैसे थर्मोमीटर पर हम सर थर्मोमीटर जैसे यहाँ है पिक्चर में देख बता है यहाँ एगो ड्राई बल्ब वेट बल्ब थर्मोमीटर है सब है तो है तापमान है जैसे एयर टेम्परेचर है वायु तापमान है। तो ऐसे ही थर्मोमीटर से के माध्यम से वह तो तापमान की एगो महत्वपूर्ण मात्रा है मेटेरोलॉजी में। तो एक असर पड़ेला एग्रीकल्चर है कृषि विभाग में भी तो ऐसे ही ऐसा ले जा यहाँ जब देखबा यहाँ एगो ड्राई बल्ब समझता वेट बल्ब है सूखा बल्ब समझता गीला बल्ब समझता एक मात्रा के अंतर में हमके नामी मूल्य मिल रहा जैसे ह्यूमिडिटी देवला है। तो हाई हाई के पड़ेला सर तो एक हाई सब दुनिया दे के तो ये सब दुनिया डेटा भेजाए रहा सर जैसे हमेशा हाई हाई सब शिक्षकों लोग रिसर्च कर रहे सर। हाई लेकिन मवा कहाँ कहाँ पर बा? खाली वाकवा के ऋतु विज्ञान केंद्र में बा? नहीं और दूसरे स्टेशनों में बा जैसे एम एस आई और आई के सब स्टेशन जो है तरह तरह लील में तो हाई सब दलाला प्लेजेंस एयरपोर्ट में भी वहाँ वहाँ एक से हमने के किसान भाई बहन लोग के कौन लामोताज मिलेगा कौन लाभ होगा? जैसे हम बोली तापमान ये वो बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। तो ये जानेला एगो सांसमा जैसे तापमान के बढ़ाव पर तो एक असर तो पड़ भी करी। अभी जैसे क्लाइमेट चेंज दिखत है जा ओकर असर तो पड़ता तो सब लीची बतावता कि तापमान तो बढ़ते जाता। तो ये कृषि विभाग में एक असर जरूर पड़ी। अब चाहे ना नुवो मेथड है नवा नया मेथड कैसे कहाँ कर अब सर कैसे देखी कौन सिस्टम आप अप्लीके करके सिंचाई में कैसे ये सब चाहे ना। अच्छा खाली है या स्क्रीन में पर काम करेला और कौन कौन चीज देखेला? और देखेला सर तो जैसे जैसे कि हवा है जैसे हमी के एनेमोमीटर था जैसे एनेमोमीटर का बतावेला जो हवा कौन दिशा से बहता और ओकर कौन रफ्तार से बहता। रेन गोजवा ये तांबा के हाँ तांबा के हाँ रेन गेज हाँ एक से बारिश कितना बारिश है ये में को लिखते हो रहा तो एक एगो मेजरिंग सिलेंडर एक माध्यम से हमें एक मेजरमेंट ले जाता है। हाई जो छोटा लापारे हाँ को नाम है हाई एगो एनेरोइड बारोग्राफ है तो हर दाएं तरफ है वहाँ देख बता ये एटमोस्फेरिक प्रेशर के बतावे लग जा तो ये एगो ग्राफ में वहाँ जो देखला एटमोस्फेरिक प्रेशर है एटमोस्फेरिक ये तो हवा का दबाव जैसे है तो ये हवा तो हवा के रफ्तार जाने लगा दबाव नहीं जाने लगा हवा के दबाव हवा वो ओकर एगो दबाव है तो चाहे ना कैसे मिजे करके तब हाइए है कहाँ से मिजेगा एगो बारोमीटर से है बारोमीटर से तो अब आगे तो रहा मर्क्यूरी बारोमीटर अब नामी के डिजिटल बारोमीटर है। तो हाइए ऐसने वहाँ बारोग्राफ में मान लो हम जाना जेजी के कौन प्रेशर रहा मीन में तो कैसे था और बारोग्राफ में अच्छा ये सब बिजली से चलेगा या ऐसे नहीं ये सब क्लॉक बेस्ड है हर लेंदी के अमीर ओके वाइंड अप कर लिया जा।
एगो मितियो के एगो बिलते में आप लोग सब जानकारी देवे रचा हाँ जब लोग बिलते में ओकर तापे आचे है कैसन मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर ते बिलते हैं जो सुबह चार बज के निकाली जा उमे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के में डाली जा सा और शाम को बिलते में भी ऐसे ही अब दूसरा पैरामीटर है जैसे हम सनशाइन रिकॉर्डर हाई जो सनशाइन रिकॉर्ड है सनशाइन रिकॉर्ड जब सूर्य उदय होला था तो चाहे ला मुझे कितना नंबर ऑफ सनशाइन आवर्स ब्राइट सनशाइन आवर्स जैसे आज तो पानी है नहीं सका बस मुझे बस कोनो नहीं बात बादल रहेला तो ओकरा ओका म्यूजियमेट नहीं मिलेला बस जब हाई ला पा गई हाई वो कॉट है में डलाला तो हाई कॉटवा के जरावेला जब जैसे सूर्य उदय तब कॉटवा जरी लगेला जब है जैसे है सीधे जब जब छः बजे सूर्य उदय तब वहाँ से जरते रहेला आवेला इसे आवाजा मिली जा पारे के ऑफिशे से नंद किशोर प्रताप जी से नंद किशोर जी नमस्ते नमस्ते आज हमने मितियो में है सा और मितियो के तापमान के जो असर पड़ेला हानि के खेती हर ऊपर तनी ओकर पर और जानकारी दा रेखा शुरुआत में आप ही बोला एगो हमने के बीच जब माटी में डाली लाजा या एगो पौधा के कौन चीज है लोगे छेना पानी वायु घाम और खाना खाना खाद ऑर्गेनिक रही सीमिक रही तो उस सब एगो बीज के जब ले बढ़ी जब ले हमने के फूल फल नहीं दे लोग के चाहिए तो हैजा जो दौरा कर लीजा है जितना हमने के जानकारी है जा मिला था देख ली जा के चाहिए हमने के जो खेतिहर लोग जनेला फजीर के उठे लगे और जब आगे रहा ट्रांजिस्टर छोटा छोटा रहा कौन चीज सुना था जा पानी आए घाम करी हवा बा मूसलाधार बारिश बड़ी या तूफान आई तो इस सब लोग छाना जाने के खेती लोग काहे कैसे बोली हमने के जो पौधा बा हमने के बीज बा हमने के माटी अब यहाँ के तापमान के माटी असर पड़ेला हमने के कैसे बीज जमी नहीं जमी हमने के पौधा निमन से बढ़ी नहीं बढ़ी यहाँ की हमने के खाद बा जो पानी चला का होल हम जो खाद एक को बिक देला माटी में का होल वो सब पिघल जाए एक ही तो नहीं छा तो इस सब हमने के खेला बागे बगल से हमने हरदम जानकारी दे जा कैसे छाना खाद डाले कि कब छाना डाले के कैसा मौसम करा था ये सब छाना हमने देख रेख के तब हमने के यदि कुछ भी रोपाई कर दिया अब हैजा तो बोली आगे रहल ट्रांजिस्टर पर हैजा जब दौरा कर दे जा अब हाउ जानकारी गते गते कौन चीज टी वी के स्क्रीन पर चला बाद में कहाँ चला देख लीजिए वेबसाइट पर चला अब एगो नया टेक्नोलॉजी बा एगो आप बा वो हम होगा हो जितना लोग इकट्ठा करे लन जा तापमान कितना बरसात होता कैसे हवा आता रिलेटिव ह्यूमिडिटी सब अब एगो मेटेओ आगे कोल बा स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड और हैजा जो ऋतु विज्ञान केंद्र बा वो लोग संगे काम करे लन जा जैसे ही रोज लोग 24 घंटा काम करेला जाए जा तो जैसे रोज सातों दिन लगभग 4 बजे हो जा मेटियो आगे को हाउ वेबसाइट और उन लोग के ऐप पर एप्लीकेशन मोकाओ पर चल जाला तो यही हमने की जानकारी हमने के किसान लोग के चाहेना ताकि उन लोग के जो शुरुआत होला कौन दिन और कौन चीज उन लोग के चाहना बीज कब छना बोई के कब छना अथी कैसे बोलन जा कब हमने के जो रासायनिक पदार्थ स्प्रेइंग करेला जा कब छाना डाले के देखा तो बारिश आवता हो जो बड़ा बड़ा मशीन बा उ बोलेला जा अपन माटी से
नहीं खोना काहे वो हमने के स्ट्रक्चर जो माटी के मिट्टी के बिगाड़ दे वाला तो इस यही ये सब अनुमान नहीं रही हमें के सब जानकारी नहीं मिले ऋतु विज्ञान केंद्र ढेर चीज हमें के कैसे मिले जा आप पेपर कर जा तो हमने के अब यही जान जाने के हम कि जे जे किसान लोग सुनत हो जा माटी के मोल प्रोग्राम में हम नया अपन आनी ला जा बोली ला जा कौन कौन हमने के जानकारी बा लाभ सक बजा उठाए तो हरदम हम बोलती रेडियो सुनते रहिए MBC पर जोड़ल रहिए TV पर और कौन सी बा हमने के जो वेबसाइट बा सुनना है जा जो ऋतु विज्ञान का स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड के वेबसाइट बा और अब का एप्लीकेशन बा आप प्रताप जी को भारी बाढ़ आई माटी के ऊपर जितना मिनरल बा सब चल गल तो का सकबा वापस फिर से आने इतना एगो बहुत अच्छा सवाल करते ला हमने जब बोली बीज जब डालत हुआ कहाँ डाल माटी में अब हाइड्रोपोनिक्स बात देखा है पानी में हमने के कोकोपीट में डाली ला जा तो हमने के जाने ला हमने के जो ज़्यादा हमने के माचिया पोमिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज है हमने के किसान लोग के हुआ माटी तो वही जो बहा जाएगा जाने ला हाउ 6 फुट जो इंच माटी बा जाने ला वो कितना दिन सालों हो जाला वही जस्ती अच्छा माटी है हाउ जे ही हमने के अच्छा कीड़ा है कीटाणु है निमन कीड़ा कैसे कीटाणु बहते हैं हाउ जे ही खाना ज़्यादा है हाउ जे ही हमने के जो वायु बा एयर बा सब हमने के जो जड़ी बा सब के चाहेना तो अगर वही माटी चल गल तो क्या होगा हमने के माटी बंजर हो जाए तब हमने के खेती नहीं हुई तो यही खातिर हमें बोल जा हरदम हमने के चाहना सोच समझ के कब चाहना रोपाई करे के कब छाना मशीन डाले के और कब हमने के छाना ऐसा देखे के कि हमने जब कुछ उखाड़ देव अब जा अब ऐसा स्थिति आवता हम मिली आ जाए का लाल माटी अभी कर देव मूसलाधार बारिश होता क्या हो जाए माटी बहा जाए नदी के किनारे देख ला और कोई काट देवे जा सब सफा कर देते वो नहीं अच्छा हमने निमन जो माटी बा बहा जाला तो हम हरदम छाला ऐसा ऐसा तब आवता हमने के छाना कौन चीज छाना करे के जहाँ हमने के नल बा कनाल बा हौजा छाइला मिगे बेचवे या रोपे रहे के ताकि हो जो माटी बा नहीं बहाए मूसलाधार बारिश हो जाए पर उ जाए हौजा जन बेचवे जाने ला उ लगभग 5-6-7 मीटर उ जड़ी चल जाला तो हौ जो माटी जब अथि बांध देवे ला तो नहीं सकी जाए अपने छाला हमने के माटी के सेवा कर जा हौ माटी नहीं बहाए दिया जा तो यही मूसलाधार बारिश होते रहेला होते आई लोग तो अनुमान देते रह जा तो यही खातिर हम जा हमने के जो कदम उठाब जा किसान लोग के हरदम हन के फावे हमें बोलते रहेला कैसे छाला रोपे के जानकारी छाला तो हम चल आव एक हम हर ऐसा नहीं वो अथी बोले जा हर पल के साथी हर पल के साथी के है तो है हमने के ऋतु विज्ञान केंद्र स्मॉल फार्मर्स वेलफेयर फंड है जा फागे और अभी जो MBC देखा था जा तो हमने के हरदम मिले ला हम इसे जोड़ल रही है जा दर्शकगण देखा था वजह कैसे टिप टिप बारिश होता और ऐसा में हमने के जो किसान भाई बहन लोग हैं खेत में कितना मेहनत करे लग जा और आज आप लोग के पता चलल कि मौसम के जो असर है कैसे पड़ेला हमने के जो खेत है हमने के जन सब्जी हा पैदावार पर और आज के जन कार्यक्रम हा ओकर में आप लोग के काफ़ी जानकारी मिलल होई कौन कौन यत्र कौन कौन लेकिप मौ कौन ची खातिर हा और कैसे ये जन ऋतु विज्ञान केंद्र हा आप लोग के सहायता पहुँचावेरा तो आज के कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता हमने सब के धन्यवाद देवत हैं जा नमस्ते